महिंद्रा करने जा रही है इस साल की सबसे बड़ी लॉन्च। हालांकि XUV 300 को 2019 में लॉन्च करने के बाद इस 5 साल के बीच में 2 लाख यूनिट भले ही सेल कर डाले, लेकिन इस 5 साल के अंदर में ना तो इसका कोई फेसलिफ्ट आया और ना ही कोई अपडेट हुआ इस गाड़ी में। जनरली कोई भी गाड़ी एक लॉन्च होती है तो उसका जनरेशन 5 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर महिंद्रा एक फेसलिफ्ट वर्जन लेकर के आ रही है। साथ में इस गाड़ी को रीनेम भी कर दिया है, 300 के बजाय अब इस गाड़ी को बुलाया जाएगा 3XO। इतना ही नहीं, महिंद्रा ने 1XO, 3XO, 5XO और 7XO मल्टीपल ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर्ड किए हैं, जो कि आपको फ्यूचर में इन सब गाड़ियां भी आपको आइस इंजन के साथ देखने मिलेगी। फिलहाल अगर XUV 3XO के बात करें तो इसके नाम के साथ साथ इसका फ्रंट प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल में भी काफी सारे बदलाव किए गए हैं और इसमें आपको फीचर्स भी अब भर दिए गए हैं। यानी कि प्रेजेंट किया सोनेट में जितने फीचर्स आपको मिल रहे हैं उतने ही फीचर्स अब आपको XUV 3XO में देखने मिलेंगी, इवन उससे भी ज्यादा, क्योंकि आपको वहां पे पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलता है लेकिन 3XO में आपको पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर देखने को मिल गया है, LED DRLs आपको एकदम न्यू शेप में दिया गया है, कुछ सी टाइप का देखने में लग रहा है और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश गई है, लेकिन मुझे देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रही है, लेकिन ठीक ठाक दिख रही है। रियर प्रोफाइल में अगर देखें तो भैया नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू के बाद अब XUV 300 में भी आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलने जा रहे हैं और सेंटर में आपको लोगो भी देखने को मिलेगा जो कि क्रोम फिनिश के साथ में है और साटन फिनिश में XUV 3XO लिखा हुआ है, वो भी सेंटर में, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कनेक्टेड टेल लाइट अगर ये डिक्की में भी आ जाती नीचे तरफ में तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती? मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी इसके डिक्की के नीचे अगर आप देखते हैं तो एकदम फ्लैट कार्बन फिनिश में दिया हुआ है इसका बम्पर का एरिया, उसके ठीक नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे रेड कलर का, साथ ही XUV 400 में जो आपने डिज़ाइन पैटर्न देखा था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और लाइसेंस प्लेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने को मिलेगा, रियर वाइपर वॉशर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हाई स्टॉप माउंट लैंप भी देखने को मिलता है। इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू टोन इंटीरियर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक और वाइट का, इसके साथ ही आपको सीट बैक पॉकेट भी दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा लेदर अपोस्ट्री दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पर रियर एसी वेंट भी आप देख सकते हैं, आपको हैंडरेस्ट भी मिल रहा है यहाँ पे विद कप होल्डर्स के साथ में। इसके साथ ही रियर में आप यहाँ पे 3 हेडरेस्ट देख सकते हैं, वो भी एडजस्टेबल। और मजे की बात ये है कि सेम इंटीरियर आपको XUV 400 में भी देखने को मिलता है। फ्रंट के डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल गया, जो कि वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करेगी ये म्यूजिक सिस्टम जो है। इसके साथ में आपको 7 स्पीकर का एक सेट मिलता है हरमन कार्डन की तरफ से, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिलने वाला है। लेदर अपोस्ट्री आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग के ऊपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूअल जोन एसी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये सारे बटन्स ना एकदम ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया हुआ है ब्लैक कलर का, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव दिख रही है। इसके साथ ही आप वायरलेस चार्जर का पैड यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी आपको मिलने वाला है जो कि XUV 400 में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। XUV 300 के मुकाबले XUV 3XO का डिक्की का साइज पहले से बेहतर और बड़ा होगा। आइए मेजर फीचर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें सेम रहने वाला है, जैसे कि इंजन स्पेसिफिकेशन आप देख लो, 3 इंजन पहले भी मिलता था, अभी भी सेम इंजन आपको मिलने वाला है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात तो साइड प्रोफाइल में भी कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी पहले की ही तरह। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना भी आपको नहीं मिल रहा है, आप ये टीजर में भी देख सकते हैं। आइए फीचर्स देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा मेजर फीचर आपको मिलने जा रहा है इसमें पैनारोमिक सनरूफ, दूसरा आपको चांसेस है कि एडास तो मिलेगा ही, लेकिन एडास लेवल 2 के चांसेस है वो मिल सकता है आपको, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा वो भी सराउंड व्यू के साथ, ऑल न्यू लेयर्ड स्पोक एलॉय व्हील्स आपको मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, इसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और चांसेस है कि पावर ड्राइवर सीट्स भी आपको मिल जाए। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। इंजन में कोई चेंज नहीं है तो पावर, पिकअप, माइलेज वाइलेज सब आपको सेम मिलेगा पहले वाले की तरह। प्राइसिंग की बात करें तो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाड़ी ऐसे ही 29 तारीख को अनवेल होने वाली है, उस दिन सारे फीचर्स भी आ जाएंगे, सारी प्राइसिंग भी आ जाएगी, कौन कौन से मॉडल आ रही है, कलर आ रही है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर कार चमत्कार के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी की प्राइसिंग 9 लाख के आसपास हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, मिलते हैं अनदर वीडियो में, धन्यवाद।